नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर। जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर बिहार सरकार लगातार कई बड़े अपडेट जो है वो देते रहा है, और आज एक बार फिर से जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है, जिसमें कई तरह की जो है बंदिशों से जो है छुटकारा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए कई बड़े अपडेट जो है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों की जितनी जल्दी हो सके निपटारा करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार में कानून में भी बदलाव कर रही है। आपको यह भी बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे ज़्यादा हैं, और जमीन से जुड़े मामलों में आपराधिक मामलों की संख्या में जो है लगातार वृद्धि देखी जा रही है और पहले से भी है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार इसमें सुधार के साथ ही नियमों में संशोधन की बात कह रही है। बिहार सरकार ने हाल ही के दिनों में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसमें प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री को करेगी। किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इस तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। नीतिगत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि वेबसाइट की जिम्मेवारी जमीन की बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उस तरह की जमीन के लिए खरीदारों की पुख्ता जानकारी देने की होगी। जमीन की कीमत विक्रेता और खरीदार की आपसी सहमति से ही तय होगी। भूस्वामी को अपनी जमीन के बेचने के लिए बिचौलियों का आसरा नहीं होगा। अब आप सरकारी वेबसाइट पर आसानी से इसे बेच सकेंगे। वहीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी दर का आकलन भी आसानी से किया जा सकेगा। बिहार सरकार के इस पहल के बाद से बिहार में उद्योग के लिए जमीन लेना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे में जमीन को लेकर पारदर्शिता होगी। अब कोई भी उद्योगपति वेबसाइट के माध्यम से यह जान सकेंगे कि उनकी ज़रूरत के लिए राज्य कहां कहां जो है ज़मीन उपलब्ध करा रही है। ऐसे में अब उद्योगपति को भी ज़मीन खरीदने में आसानी होगी। सरकारी अधिकारियों के लिए भी जमीन की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों के लिए ज़मीन का चयन आसान हो जाएगा। यहां तक कि ज़मीन के असली मालिकाना को लेकर फर्जीवाड़े की जो खबरें सामने आती रही है वो उसमें भी जो है लोगों को निजात मिलेगी। सरकार की ओर से ज़मीन के विक्रेता की खरीदार को ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कराने की पहल का भी मकसद इस प्रक्रिया को बिचौलियों से दूर करना है। इसके साथ साथ जमीन खरीदी बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े से भी निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ जमीन को लेकर आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिली है। जमीन पर कब्जा की घटना सबसे ज्यादा है। ऐसे में अब बिहार सरकार इन सभी मुद्दों पर बहुत ही जल्द निपटारा करने जा रही है। एक तरह से हम कह दें कि बिहार सरकार बिहार में भूमि से जुड़े मामलों में जितनी जल्द हो सके खत्म करने पर विचार कर रही है। तो यह थे बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामले। लेकिन इस तरह के मामले जो है बिहार सरकार लगातार कम करने को लेकर बात कर रही है। खास करके उन मुद्दों को अगर हम देख लें जो कि पारिवारिक बंटवारा हो या फिर घर में भाई से भाई की लड़ाई हो जमीन को लेकर, इन सारे मुद्दे जो है बिहार सरकार के पास जमीन से जुड़े हुए हैं। खासकर जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा है उसके बाद से जो जमीन के मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं उसको लेकर जो है बिहार सरकार लगातार एक्शन के मूड में है और उसमें जो है बदलाव करने की बात कर रहा है। कैसे जो है हम आसानी से जो है हम जमीन का म्यूटेशन कर सके, कैसे जो है जमीन का मालिकाना हक हम किसी को दे सके, इन सारे मुद्दों पे जो है बिहार सरकार एक तरह से कहले कि काम कर रहा है। इसी कड़ी में जो है बिहार सरकार ने जमीन को ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री करने की बात कही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।